नमस्कार आप सभी का मैं हेलो दोस्तों मैं नमस्कार मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल बीपीएससी डिमिस्टिफाइड में। किसी कारणवश से जो वीडियो था वो पॉज हो गया था, ठीक है ना। तो मैं उसके आगे से क्वेश्चन नंबर 62 जो है मैं अपना कंटिन्यू कर रहा हूं। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेदास सभा एंड समिति आर कॉल्ड एज टू डॉटर ऑफ प्रजापति, वो कौन था? अथर्ववेद था। ये क्या था, क्लियर डिस्टिंक्शन था किसका, सभा और समिति का। कैन नॉट बी मेड इट इज़ क्लियर दैट सभा और समिति क्या है, पूरी तरीके से क्या डिमार्केशन उनका अच्छे से नहीं हो पाया। लेकिन इसका क्लियरली कहाँ पे मेंशन हुआ, अथर्ववेद में, जो कि कहा गया टू डॉटर ऑफ प्रजापति हैं, ठीक है ना। प्रजापति की क्या है, दो बेटियाँ। आयुर्वेद दैट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ अफियर फर्स्ट इन, कहाँ पे हुआ, अथर्ववेद में हुआ, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 64, ऋग्वेदिक रिलीजन वॉज किससे रिलेटेड था, पॉलिस्थेटिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 65, द लार्ज नंबर ऑफ ऋग्वेदिक हिम आर डिवोटेड टू, किससे रिलेटेड था, वो इंद्र से रिलेटेड था, उसके बाद फॉलोड बाय अग्नि, ठीक है। 200 हिम्स था उसमें। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स ऑफ ऋग्वेदिक बिलोंग्स टू अग्नि। नाउ कम टू 67 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज मोस्ट पॉपुलर गॉड अमंग द वैदिक पीरियड, कौन थे वो, हमारे इंद्रजी थे। क्वेश्चन नंबर 68, विच अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड एज द वॉर गॉड इन द ऋग्वेदिक, कौन थे, इंद्र भगवान थे। क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गॉड्स आर कंसीडर्ड एज द वॉर गॉड ऑफ द वैदिक लिटरेचर, फिर वही चीज़ है, इंद्र भगवान थे। स्टडी करना है ये वैदिक गॉड इंद्र के बारे में, उसमें बताना है करेक्ट आंसर। वॉर ऑफ गॉड थंडर थे, सही बात है। परशीड द सीनर थे, नहीं। वाज द गार्जियन ऑफ मोरल ऑर्डर, नहीं। वाज द गॉड ऑफ रेन, सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 71, 800 BC टू 600 BC रिलेटेड टू विच एरा, किस रिलेटेड था, ब्राह्मण एरा से रिलेटेड था, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 72, गायत्री मंत्र जो है वो किस बुक में लिखा हुआ है, वो ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 73, मंत्र फेमस विद द नेम ऑफ गायत्री मंत्र वॉज विच फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्चर, किस में है, ऋग्वेद में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 74, कंपोज ऑफ गायत्री मंत्र किस में है, किसने कंपोज किया है, विश्वामित्र ने क्या कहते हैं कंपोज किया, सागा पृष्ठ, ठीक है ना, सागा पृष्ठ। एक मिनट दोस्तों, सारगा प्रतिसर्ग वंशा और मानव तंत्र और वांचित्रित्र जो है वो इंडिकेटर किसके हैं, वानुश्चरित्र जो है वो किसके इंडिकेटर हैं, सॉरी थोड़ा सा क्या कहते हैं प्रोनंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी मैं तो अजीब से थोड़ा मुझे समझ में थोड़ा कम आ रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा गलत से हो सकता प्रोनंस किया कर दिया होगा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सर्गा प्रतिसर्ग वंशा मानव तंत्र और वंशानरित्र ये क्या है, इंडिकेटर किसके हैं, पुराण्स के इंडिकेटर्स हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 76, कितने नंबर ऑफ पुराण्स हैं, अभी हम लोग देखा था 18 हैं टोटल, ये टोटल 18 पुराण्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। लेकिन इसमें श्रीमद् भागवत गीता को सबसे क्या गया है, सबसे क्राउन पे, मतलब सबसे ऊपर उच्च स्तर पे उच्च स्थान दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मतलब श्रीमद् भागवत गीता वाज ओरिजिनली रिटेड, इसे लिखा है संस्कृत लैंग्वेज है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 78, ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज, महाभारत किसके लिए नोन है, जयस्मिता से रिलेटेड है, ठीक है ना। ओरिजिनली द महाभारत वॉज नोन एज जयस्मिता, महाभारत में ओरिजिनली स्टार्टिंग में 8800 श्लोक थे, लेकिन बाद में इसका जो है एक्सटेंशन होते होते कम से कम 100,000 श्लोक हो गए। ब्लेड इसने किसने इसको किसने लिखा, सेज वेद व्यास ने जी ने लिखा, मतलब ठीक है, मतलब महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। सहस्रारी संहिता, सहस्रारी संहिता को निकनेम विच ऑन द फॉलोइंग टेक्स्ट, सहस्रारी संहिता का जो निकनेम है किस टेक्स्ट में लिखा, महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत बाई वॉट नेम्स वेयर आर द कुनिदा किंग्स नोन, किससे रिलेटेड था, द्विजा श्रेष्ठ से रिलेटेड था, ठीक है ना, चीफ अमंग द्विजेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी विच सर्पेंट ऑफर्ड हिमसेल्फ एज अ रोप ऑफ चर्निंग द ओशियन, कौन था वो, वासुकी था, ठीक है ना, अरे वो था ना समुद्र मंथन, तो किसके हुआ था, वासुकी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ, इन विच फेज द कंसेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, किस में है वो, धर्मशास्त्र फेज में है। ये क्वेश्चन देखिए 39 BPSC में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लें, इनको जरूर देखेंगे। फ्रॉम विच उपनिषद द वर्ड सत्यमेव जयते हैज़ बिन टेकन, किससे रिलेटेड है, चंडोक उपनिषद से हम लोग ने लिया हुआ है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 84, फ्रॉम विच फ्रॉम वेयर
फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्य में जायते टेकन, कहाँ से लिया गया? आपका जो है वो मंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना, मंडोक उपनिषद, ठीक है ना, ठीक है ना, मंडोक उपनिषद से लिया गया है, ठीक है ना। आप लोग इसको क्वेश्चन को ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 85। सत्य में जो इंग्रेव्ड ऑन द इंडियन एम्बलम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, वही मंडोक उपनिषद से लिया गया। 86 नंबर ऑफ क्वेश्चन, तस्मो ज्योतिर्गमया वॉज ओरिजिनली मैंशनड इन, वो कहाँ मैंशनड है? ये आपने बोला था उपनिषद में मैंशनड है। तमसोम ज्योतिर्गमया जो ओरिजिनली मैंशन कहाँ पर है? बृहद्यांग उपनिषद में है। बृहद्यांग उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहद्यांग उपनिषद में क्या है? तमसोम ज्योतिर्गमया जो है बृहद्यांग उपनिषद में मैंशनड है। द स्टेटमेंट मीन्स लीड अस फ्रॉम डार्कनेस और टू लाइट, लेड अस फ्रॉम इग्नोरेंस टू ट्रूथ, ये इसका क्या है? स्टेटमेंट है, ठीक है ना, स्टेटमेंट का मतलब है। लेडम लेजेंड ऑफ सत्यम जबाल वॉज चैलेंज फ्रॉम द सिग्मा स्टिग्मा ऑफ बिंग अनमेरिड मदर इज बिलीव्ड इन, ये किस में बिलीव करते थे? चंदोग्य उपनिषद से रिलेटेड थे। सत्यकामा जोगबाला जो एक बॉय था वो एक वैदिक सेज था जो कि फर्स्ट अपियर इन द चैप्टर 4 ऑफ एंशंट हिंदू टेक्स्ट चंदोग्य उपनिषद जो चैलेंज करता था स्टिग्मा ऑफ अनमैरिड मदर के बारे में, ठीक है ना। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 88। द लिटरल मीनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद इन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज वाइट हॉर्स, किस इसका द लिटरल मीनिंग ऑफ विच उपनिषद इज व्हाइट हाउस, कौन सा ऐसा उपनिषद है जिसमें व्हाइट हाउस का मीनिंग संदिप्त है? तो वो कौन था? कोई भी ऐसा उपनिषद नहीं है जिसमें व्हाइट हाउस का क्या है क्या कहते हैं वर्णन किया गया है, ठीक है ना। एक है श्वेतवस्त्र उपनिषद जो है, ये एक अंशंट संस्कृत है, एक अंशंट संस्कृत है टेक्स्ट जो एम्बल्ड करता है यजुर्वेद के बारे में। श्वेतांश लिटरली मीन द कैरिड ऑफ ऑन अ व्हाइट हाउस, तो शेष क्या है? श्वेतवस्त्र श्वेतवस्त्र जो है एक क्या कहते हैं उपनिषद है, श्वेतवस्त्र उपनिषद जो है उसी से व्हाइट हॉर्स के लिए बताया गया, व्हाइट हॉर्स के लिए बताया गया। फंडामेंटल और बेसिक स्क्रिप्ट ऑफ ऋग्वेद कहाँ से लिया गया है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लिया गया, ठीक है ना। 90 क्वेश्चन नंबर 90, इन द रिच वैदिक रिचुअल होता इज एसोसिएटेड विथ, किसे रिलेटेड है? ऋग्वेदिक से काल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 91, द सिमिलरिटी ऑफ इन द अवेस्ता एंड द ऋग्वेदिक फ्रॉम विच रीजन ऑफ अवेस्ता इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज कंसिडर्ड एज द अघन्य ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड, वो कौन था? काऊ था, अघन्य को कहते थे काऊ। वो कौन थी? एक मदर डाइटी भी थी, भगवान का दर्जा दिया गया था, इसको मारना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, वर्दी नहीं माना जाता था, ठीक है ना। स्टेटस ऑफ काउ किसको गया? बायस कंसिडर्ड एज द ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अघन्य इन ऋग्वेदिक मेंशन फॉर, किस में क्या है अघन्य? किसके लिए किया गया? काउ के लिए यूज किया। द नेम अघन्य मेंशन इन द पैसेज ऑफ ऋग्वेद रिफर्स टू द काउज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, इन द ऋग्वेदिक पीरियड व्हाट वॉज द कंसिडर टू द बी द मोस्ट वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, वो काउ थी, क्योंकि क्या करते थे लोग? पूजा पाठ करते थे, पूजा करते थे कि काउ की ब्रीडिंग बढ़ सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, लेन देन उसी से होता था ऋग्वेदिक पीरियड में। प्रेयर को ऑफर किया जाता था, इंक्रीज द नंबर ऑफ कैटल मीडियम ऑफ एक्सचेंज, काउ इज कंसिडर्ड एज द डेटी ऑफ शुक्त ऑफ ऋग्वेदा। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन कल्चर रीट मीन्स, रीट का मतलब क्या होता था? नेचुरल लॉ से रिलेटेड था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रीट इज द यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ऑफ वैदिक ओरिजिन। द रिट वॉज हैज़ बीन कंसिडर्ड ऑफ इंडियन कल्चर ऑफ लीगल थ्योरी पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी। गॉड वरुण जो थे सपोज करते थे टू अपहोल्ड द रिट ऑन द नेचुरल ऑर्डर एज इज वाई ही इज कॉल्ड एज द रितो रितास योगपा। इनको रितास योगपा भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? रितास योगपा कहा जाता था भगवान वरुण को। वरुण भगवान को रितास योगपा भी कहा जाता था, क्योंकि रिट को क्या करते थे? अपहोल्ड करते थे। क्वेश्चन नंबर 97, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एंशंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ
अदर थ्री किससे रिलेटेड है, वो है कोसाब। इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंशियंट इंडियन सोसाइटी वंश गोत्र और कुला जो है वो ये वर्ड जो है एसोसिएट किससे हैं, फैमिली सिस्टम से हैं, क्योंकि वर्ड कोस जो है जो वर्ड कोसा जो है वो रिलेटेड किससे है, ट्रेजरी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। नाउ टू कम टू क्वेश्चन नंबर 98, द वर्ल्ड टोटल नंबर ऑफ संस्कार कितने हैं, टोटल नंबर संस्कार 16 संस्कार हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे, गंगा दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑन डेज अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, उसको क्या कहते थे, 10th ब्राइट लूनार डे ऑफ ज्येष्ठ, ठीक है ना, 10th ब्राइट लूनार डे ऑफ ज्येष्ठ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग रिमेंबर करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द टीचर हु टॉट वेदांग फॉर लाइवलीहुड, उसको क्या कहते थे हम लोग, उपाध्याय कहते थे। उपाध्याय जो थे वन हु अडॉप्टेड टीचिंग ऑफ द प्रोफेशन ऑफ टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाय टॉट ओनली बाय किससे, पोर्शन ऑफ वेदास और वेदांगा से। क्वेश्चन नंबर 101, स्टेटमेंट बताना है कितना ऋग्वेदिक आर्यन और इंडस वैली पीपल के संदर्भ में, ऋग्वेदिक आर्यन यूज्ड कोट एंड मेल एंड हेलमेट इन वॉरफेयर वेयर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डू नॉट लीव एनी एविडेंस यूज देम, सही है, एकदम सही है। ऋग्वेदिक के लोग थे वो गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में और कॉपर के बारे में जानते थे, और इंडस वैली पीपल जो थे केवल कॉपर के बारे में जानते थे, ये क्या ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यन जो है डोमेस्टिकेटेड द हॉर्स वेयर एज इज नो एविडेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हैविंग बीइंग अवेयर ऑफ एनिमल, ये गलत है ऑप्शन, एकदम सही है सर, गलत है। तो इसी हिसाब से ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, ठीक है। अब देखिए इसको, इस ऑप्शन में क्या था, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार अच्छे से देख लेते हैं। कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट मेड ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर मैंशनड इन द ऋग्वेद, ऋग्वेद में क्या है मैंशनड है, पॉसिबली दे आर यूज इन वारफेयर, इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल जो थे वो लैकिंग इन वेपन्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग तो जो थे उनके पास हथियार की क्या थी, कमी थी। वे आर पॉसिबली रूल्ड बाई क्लास ऑफ मर्चेंट के द्वारा क्या करते हैं, रूल्ड होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे डिड नॉट लीव एनी एविडेंस, किस तरीके का एविडेंस नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑफ यूजिंग वेपन्स, वो वेपन्स यूज़ करते नहीं थे तो एविडेंस कहाँ से मिलेगा। देयरफॉर जो स्टेटमेंट वन है वो सही है, देखिए वो जाहिर सी बात मैंने बताया भी था, ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो जानते थे गोल्ड सिल्वर और कॉपर के बारे में, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल कॉपर और के बारे में नहीं ब्रॉन्ज के बारे में भी जानते थे, कॉपर और ब्रॉन्ज के बारे दोनों के बारे में जानते थे। द यूज़ ऑफ आयरन स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया बिटवीन 1000 BC to 600 BC, ठीक है ना, इसलिए स्टेटमेंट टू गलत है, क्योंकि केवल कॉपर की बात नहीं जानते थे IBC के लोग, ब्रॉन्ज की बात भी जानते थे, और हमारे ऋग्वेदिक आर्यन जो थे वो गोल्ड सिल्वर और कॉपर के बारे में जानते थे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर टू गलत है। ऋग्वेदिक आर्यन जो थे ओन देयर सक्सेस इन इंडिया इन द यूज ऑफ हॉर्स, ठीक है, एंड चैरियट्स, एंड रिसेंटली अ साइट कॉल्ड भगवानपुरा, ठीक है ना, एक्सकेवेटेड कहाँ पे हुआ, हरियाणा में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, देखिए जाते जाते ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पॉइंट दे गया हमने कि भगवानपुरा से ही हमें क्या हुआ एक्सकेवेटेड, ये कहाँ पे है, हरियाणा में, एक्सकवेशन से क्या मिला है ऋग्वेदिक पीरियड का, कि यहां से हॉर्स और चैरियट मिले हैं, मतलब जो घोड़ा होता है और होता है ना रथ, वहां से मिले हम लोगों को। वेयर हॉर्स बोन्स हैज ऑल्सो बीन फाउंड, एविडेंस ऑफ हॉर्स कम फ्रॉम अ सुपरफिशियल लेवल ऑफ मोहनजोदारो फ्रॉम अ डाउटफुल टेराकोटा फिग्राइन फ्रॉम अ लोथल, वहाँ से भी प्राप्त हुआ है। देयर रिमेन्स द हॉर्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकाटोडा, वे क्या है एक IVC साइट इज सिचुएटेड इन द वेस्ट ऑफ गुजरात, ऑल्सो बिलोंग टू 2000 BC, बट द आइडेंटिफाई इज डाउटफुल इन मैनी केस ऑफ द IVC सिविलाइजेशन वेयर सिविलाइजेशन वॉज नॉट हॉर्स सेंटर्ड देयर फो, इसीलिए ऑप्शन नंबर थ्री क्या है गलत है। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा जो पूरा आपका ऋग्वेदिक पीरियड जो था विद क्वेश्चन आंसर क्या है, सारी चीज़ क्या है कंप्लीट हो चुकी हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगी होंगी। देखिए दोस्तों ये एक बार में आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, किसी को भी नहीं समझ में आती, और इसमें हर आदमी क्या है इंसान है, ठीक है ना, रटना किसी को आसान नहीं लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ वीडियो को कम से कम 4 से 5 बार नहीं 10 से 12 बार देखें, क्योंकि क्या अनलिमिटेड टाइम तक आप देख सकते हैं। मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है कि आप मेरा देखेंगे मेरा व्यू बढ़ेगा, ठीक है, आप देखोगे तो अच्छी बात, नहीं देखोगे तो कोई बात नहीं, देखिए लेकिन आपको देखना चाहिए, उससे क्या होगा ना कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, इसलिए एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आएंगे आप आराम से उस चीज़ को टैकल कर पाओगे। ये सारे थ्योरी आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन को भी टैकल कराएंगे, और आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में उनमें भी ये चीज़ क्या होते हैं, क्या चीज़ें हैं, प्रासंगिक रहेंगे। और साथ ही साथ जब देखो ये चीज़ें ऐसे याद होंगे ना, जब आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे, जब नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा लगाओगे और इनके क्या करेंगे हम लोग, पहले कुछ ना कुछ जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कौन से महर्षि जो हैं वो क्या कहते हैं किस पीरियड से रिलेटेड हैं, मतलब कि
किससे रिलेटेड है, उनका क्या कहते हैं, कौन से अथर्वेद ने, अथर्वेद को किसने, किस महर्षि ने दिया, यजुर्वेद को किसने दिया, सामवेद को किसने दिया, ये सारी चीज़ें हो गई। रिवर्स पुराने हैं, उनके नए मॉडर्न नाम क्या है, तो इनके क्या होंगे, हमें लिस्टिंग करने होंगे, क्योंकि यही सारे क्या है, स्टैटिक पोर्शन है, और यही आदमी क्या होता है, गच्चा गाता है और आंसर क्या होता है, गलत करके चला आता है। आशा करता हूँ कि आपको सारे सेशन को बार बार देखेंगे और रिपीटेटिव वे से देखेंगे, रिवाइज करेंगे और चीज़ों को अल्टीमेटली सक्सेस पाएंगे। देखिए जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा रहेंगे। मानता हूँ चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आएंगी, बार बार प्रयास करना पड़ेगा और हमारा काम ही है प्रयास करना, ठीक है। इसीलिए दोस्तों खूब मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, आगे बढ़िए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए चलता हूँ, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।